नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपको गेहूं के रेट की यथास्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो गेहूं का एमएसपी का रेट था वो 2022-23 का 2015 रुपये था, और इस साल का जो रेट निकला है सरकार के द्वारा वो निकला है 2125 रुपये। लेकिन हमें पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह में गेहूं में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, जिससे गेहूं का रेट बढ़ा है और जो आटा था उसका रेट भी थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिस वजह से गेहूं के जितने भी उत्पाद थे उनका रेट कहीं ना कहीं पहले से अब थोड़ा बढ़ा है। तो हम आज आपको हमारे देश की जो महत्वपूर्ण मंडियां हैं जहां पे गेहूं की खरीद बेच होती है उनके बारे में बताएंगे, उनकी यथास्थिति के बारे में कि आज गेहूं का प्राइस क्या है, किस भाव गेहूं बिक रहा है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे डबरा मंडी में गेहूं का प्राइस, गेहूं आज 2900 रुपये की बिकी है, और तिलहर में गेहूं 2780 रुपये बिकी है, अशोक नगर में गेहूं 3200 रुपये तक बिकी है, नीमच में गेहूं 3050 रुपये तक बिकी है, और बुलंदशहर में गेहूं 2900 रुपये तक बिकी है, शाहजहाँपुर में गेहूं 2881 रुपये तक बिकी है, और इटावा में गेहूं 2830 रुपये तक बिकी है, और औरंगाबाद में गेहूं 3030 रुपये बिकी है, अहमदनगर में गेहूं 3055 रुपये बिकी है, और सतारा में गेहूं 3070 रुपये बिकी है, हैदराबाद में गेहूं 3200 रुपये बिकी है, बेंगलोर में गेहूं 3180 रुपये बिकी है, मैसूर में गेहूं 3200 रुपये बिकी है, और आगरा में गेहूं 2950 रुपये बिकी है। तो ये थे अभी गेहूं की यथास्थिति। पिछले सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। आगे भी हम आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे मंडी भाव से रिलेटेड। जितनी भी जानकारियां हैं, चाहे किसी भी फसल से संबंधित जानकारी हो, अगर आपको चाहिए तो आप हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा बस यही उद्देश्य है कि हमारे किसान साथी भी जितने भी सब्जियां या फिर फ्रूट या फिर हमारे अनाज है उनके रेट में जितना भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसके बारे में उनको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहें, ताकि समय रहते किसी सामान को उन्हें बेचना है तो वो बेच पाए, निकाल पाए और अच्छा मुनाफा कमा पाए। कुछ सामान अगर उनको होल्ड पे रखना है तो उसको होल्ड रख पाए। मंडी में जाके बेचना हमारी मजबूरी होता है, लेकिन जब तक हमारे घर पे है तब तक हम उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप से जुड़िएगा। F2DF मोबाइल ऐप किसान की ऑनलाइन दुकान प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और जितना हो सके हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक समय पे पहुंचती रहे और आप उसका फायदा उठा पाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।